रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव गुरुवार से शुरू होने जा रहा। आयोजन के लिए 60,000 स्क्वायर फीट में एयर कंडीशनर पंडाल बनाया गया, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कल दोपहर 3 बजे से भूपेश बघेल रामायण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो रायगढ़ में कल से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल का निरीक्षण करने मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे रायगढ़। उन्होंने कहा कि रायगढ़ ऐतिहासिक नगरी है, चक्रधर समारोह यहां होता था। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कल से शुरू होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस रामायण महोत्सव की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 राज्यों से अधिक मानस मंडलियां हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली है। 2 विदेशी टीमें हैं वो भी यहाँ पे हिस्सा लेंगी और कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। इन कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत स्वयं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और तैयारियों को लेकर बातचीत भी की है। सीधे अमरजीत भगत जी से बात करेंगे। सर, इस पूरे कार्यक्रम को रायगढ़ में चुनने की वजह क्या है? रायगढ़ ऐतिहासिक नगरी है, राजा चक्रधर सम्मान समारोह यहाँ हुआ करता था, पूरा शहर सजता था, पूरे देश और प्रदेश के लोग यहाँ पर आते थे। पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी गिफ्ट आया था। इस आयोजन के माध्यम से पूरा शहर का गौरव फिर स्थापित होगा, ऐतिहासिक महत्व फिर लोगों के मानस पटल में स्थापित होगा। इस आयोजन के माध्यम से देश और दुनिया के लोग जहाँ पर छत्तीसगढ़ को जानेंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानेंगे, उसी माध्यम से रायगढ़ को भी पुनः याद करेंगे कि चक्रधर जी की नगरी है, जहाँ पर रामायण का राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता हो रहा है। जब से इस महोत्सव की शुरुआत की बात कही गई है, तब से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। क्यों बीजेपी को लगता है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है? बार बार ये कहा जाता है कि राम के नाम पर वैतरणी पार करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, तो क्या राजनीतिक चश्मे से देख रही है इस पूरे कार्यक्रम को बीजेपी? देखिए, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, ये उनका विषय है। लेकिन एक ही समझे कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे रग रग में, कड़कड़ में बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान राम का पुराना नाता है। कौशल्या माता की छत्तीसगढ़ मायका है, भगवान राम का ननिहाल है। इस छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना वनवास काल का बहुत लंबा समय बिताया है। तो 3 दिनों तक चलने वाले रामायण महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन इन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और कल से पूरा रायगढ़ जिला जो है वो राममय होगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, 5:24 रायगढ़।